हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे दही वड़ा। दही वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप उड़द दाल लिया है। इसको 10 से 12 घंटों के लिए पानी में सोख करके रखा था। इसको अच्छे से वॉश करके ले लिया है, पानी पूरा उसका ड्रेन कर दिया है। अभी इसको हम बारीक पीस के ले लेंगे मिक्सर में। पीसने के टाइम इसमें थोड़ा सा पानी जो है हमें ऐड करना है और इसको बहुत ही बारीक पीस के लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है बहुत पतला सा मिक्सचर जो है वो पीस के ले लिया है। अभी मिक्सचर को हम जो है ट्रांसफर करके ले लेंगे। सो बहुत पतला नहीं करना है और बहुत थिक भी नहीं रहेगा। ओके, तो अभी मिक्सचर को मैंने एक जो है कंटेनर में ट्रांसफर करके ले लिया है। अभी इसमें मैं अजवाइन ऐड कर दूंगी, अराउंड 1 टीस्पून। सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, सो 2 कप उड़द दाल के लिए मैं अराउंड 1.5 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे हम इनो ऐड कर रहे हैं अराउंड 1 टीस्पून। आपके पास यदि खाने का सोडा रहेगा तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, इससे जो है एरिएशन बहुत अच्छा होगा। इनो ऐड करने से आपका जो वड़ा है बहुत सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा। अभी बिस्किट से जो है मैं मिक्सचर को अच्छे से फेंट लूंगी। इसको एक ही डायरेक्शन में जो है मिक्स करना है, इससे एरिएशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। सो अराउंड 5 मिनट्स तक जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ले लूंगी। और तब तक साइड में हम जो है ऑयल गरम करने रख देते हैं। ओके, तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो है स्पून के हेल्प से बैटर को ऑयल में ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, पूरा ब्राउन ऐसे नहीं करके लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो है वड़ा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं टिश्यू पे निकाल के ले लूंगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वड़ा बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हो गया और अंदर से सॉफ्ट है। नाइस। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है वड़ा रेडी करके ले लिया है। आधे बैटर का ही यहाँ पे वड़ा मैंने यहाँ पे रेडी किया है। अभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो वड़ा इसको अच्छे से जो है ठंडा करके लेना है, बाद में इसमें हम जो है पानी ऐड कर देंगे और इसको अराउंड 15 मिनट्स के लिए जो है सोक करने रख देंगे। और जब तक ये वड़ा सोक हो रहा है तब तक हम दही बना के ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम जो है मीठी दही बना के ले लेंगे और बीच में आपको वड़ा जो है उनको एक बार ऐसे पानी में स्टर करके लेना है। तो मीठी दही बनाने के लिए मैं अराउंड
400 ग्राम जो है यहाँ पे कड़ यूज करूंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम जो है दही यूज किया है और उसमें मैं अराउंड 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करूंगी, शक्कर, और इसको अच्छे से जो है मिक्स करके ले लेंगे। शुगर जो है दही में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसमें अभी पानी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, पूरा शक्कर अच्छे से मिक्स होने के बाद यदि आपको लगेगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ठीक है तो ही हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो अभी इसको मैं जो है अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दूंगी अराउंड 10 मिनट के लिए। ओके, तो अभी हम जो है प्लेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मीठी दही जो है रेडी हो चुकी है, तो इसका कंसिस्टेंसी यदि आप देखोगे तो पोरिंग कंसिस्टेंसी है, तो हमें यही चाहिए। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है, इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहला बेस में हम लोग जो है वो बड़ा डाल के ले लेंगे। इसका पानी जो है ये पूरा आपको स्क्वीज करके लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब दही वड़ा का जो है वो ठंडा सर्व करना, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी हम इसके ऊपर जो है ये मीठी दही ऐड कर देंगे। वड़ा जो है हम लोग ने पूरा मिट्टी दही से कवर कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो है चाट मसाला ऐड कर देंगे, पिंच ऑफ चाट मसाला। रेड चिली पाउडर ज्यादा नहीं डालना, एक एक पिंच जो है हम लोग ऐड करेंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर और एंड में इसके ऊपर हम हरी चटनी ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है दही वड़ा रेडी हो चुका है। इसको घर पे बना के देखना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा बना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।